लोकल बस में बैठ गया हूँ, ऑलमोस्ट फुल थी, तो आई थिंक पास रेट में चल जाएगी, लेकिन जो पैसे लगे हैं, दिनार लगे हैं, वो लगे हैं। चेक इन मेरा हो चुका है, मैं अपने हॉस्टल के रूम में आ चुका हूँ। भाई साहब बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही गॉर्जियस हॉस्टल है ये। जॉर्डन में सब कुछ बहुत महंगा है, एक तरफ इजिप्ट जहाँ सब कुछ बहुत सस्ता, एक तरफ जॉर्डन जस्ट नेबर कंट्री है, लेकिन सब कुछ बहुत ही महंगा। मैं फिलहाल अभी आया हुआ हूँ एक सुपर मार्केट में, छोटी सुपर मार्केट है, देखता हूँ क्या रेट है सब कुछ का, आपको बताता हूँ, कुछ लेता भी हूँ। सिम कार्ड मैंने फाइनली ले लिया है। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभी अपने हॉस्टल के बाहर हूँ, टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 8 AM, 8 बज रहे हैं, और मैं अब जा रहा हूँ पेट्रा, जिसके लिए मैं जॉर्डन आया हूँ मेनली, उसके बाद अदर साइड मैं कवर करूँगा। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ सिम कार्ड लेने के लिए, देखता हूँ आसपास सिम कार्ड कहीं मिल जाएगा सही रेट में तो ले लेता हूँ। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ, जब भी जॉर्डन आओगे और जब भी आप ATM से कैश विड्रॉल करोगे तो हर बैंक कुछ ना कुछ विड्रॉल चार्जेस काटेगा। लाइक जब मैं एयरपोर्ट पहुँचा क्वीन आली इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमान में, तो सारे बैंक 5 या 6 दिनार काट रहे थे। फिर मैं सिटी में आया, यहाँ मैं ट्राई किया, फाइनली एक बैंक मिला, आपके स्क्रीन पे नाम आ रहा होगा, जॉर्डेनियन कमर्शियल बैंक। ये ऐसा बैंक है जिससे मैंने विड्रॉल किया, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कट रहा, एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं कटे मेरे। और एक बैंक और है, मैंने सुना है लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया, जॉर्डेनियन कुवैत बैंक, तो शायद वो भी कुछ पैसे एक्स्ट्रा नहीं काटता है। तो आप इन दोनों बैंक से आप विड्रॉल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कटेंगे, लेकिन ड्रॉबैक ये है ये दोनों बैंक एयरपोर्ट में नहीं है, सिटी सेंटर में ही है। तो अब मैं जा रहा हूँ मेन रोड पे सिम कार्ड के लिए, देखता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, पेट्रा से भी ले सकता हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगा साउथ स्टेशन, वहाँ से मैं बस करूँगा पेट्रा के लिए। मैंने कल भी बताया था अमान में 2 स्टेशन हैं, नॉर्थ स्टेशन है, साउथ स्टेशन। तो पेट्रा जाने के लिए, डेड सी जाने के लिए आपको जाना पड़ता है साउथ स्टेशन। ट्रैफिक बहुत है रोड पे, लेकिन ऑलमोस्ट सारी शॉप्स क्लोज्ड हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स ओपन हैं, बाकी सब बंद हैं। सोचा कुछ ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फिर 4 घंटे की जर्नी रहेगी पेट्रा की, कुछ मिलेगी नहीं खाने को। फलाफल सैंडविच, हाउ मच फॉर द कॉस्ट? हाफ डिनर, ओके, 1। फलाफल सैंडविच तो बहुत ही टेस्टी है, लेकिन इजिप्ट से कंपेयर करें थोड़ा डिफरेंट है। इजिप्ट में फलाफल जो थे थोड़ा क्रिस्पी रहते थे, यहाँ थोड़ा सॉफ्ट है। अमान डाउन टाउन से साउथ स्टेशन जाने के लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है टैक्सी लेके, जो कि लेते हैं 2 से 3 दिनार। दूसरा ऑप्शन है बस का, बस का नाम है अल वहदात, आप स्क्रीन पर लिख के आ रहा होगा अल वहदात। बस लेती है सिर्फ 0.5 दिनार, हाफ दिनार, तो बहुत ही सस्ता है ये ऑप्शन। तो मैं खैर बस का वेट कर रहा हूँ, बस यूज करके जाऊँगा साउथ स्टेशन, दिखाता हूँ आपको। This bus will go to South Station, South Bus Station, Al Wahdat. Yes. Wahdat. Wahdaba? Yeah. Yes. South Station. No English. No English. Okay. No. ये बस है Al Wahdat जो मेरे को South Station लेके जाएगी। Al Wahdat बस ने एकदम South Station पे नहीं उतारा है, स्टेशन के पास में उतार दिया, लगभग 500 मीटर पे। तो फिर वॉक करके जा रहा हूँ, साउथ स्टेशन में पहुँचने वाला हूँ। अमान से पेट्रा जाने के लिए ऑप्शंस कई हैं, सबसे पहला ऑप्शन है वो टैक्सी का, जो कि बहुत ही महंगा है। उसके बाद ऑप्शन आते हैं बस के, बस के 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है जेड बस, जो कि नेशनल कैरियर है जॉर्डन का। जेड बस लेती है 11 दिनार, मतलब 1100 रुपये लेती है, लेकिन पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार है, मॉर्निंग में 6:30 बजे। दूसरा ऑप्शन है जो मैं लेने जा रहा हूँ, वो है साउथ स्टेशन जाके लोकल बस लेने का। लोकल बस का कॉस्ट है 5 या 6 दिनार, जेड बस का आधा, हाफ। और ये सबसे सस्ता तरीका है अमान से पेट्रा जाने के। टोटल जो जर्नी टाइम है अमान से पेट्रा का, वो है 4 घंटे, तो 4 घंटे लगेंगे अमान से पेट्रा जाने के लिए। पहुंच गया हूँ मैं साउथ बस स्टेशन। जो लोकल बस है वो दिन भर में कई टाइम चलती है, अनलाइक जेड बस दिन में सिर्फ एक ही बार चलती है, लेकिन जो लोकल बस है वो मॉर्निंग 9 AM से लेकर इवनिंग 4 PM तक चलती है रेगुलरली। बस फॉर पेट्रा, द बस शुक्रा। मैं
पेट्रा के लिए लोकल बस में बैठ गया हूँ, ऑलमोस्ट फुल थी तो आई थिंक 5 मिनट में चल जाएगी, लेकिन जो पैसे लगे हैं दिनार लगे हैं वो लगे हैं 7 दिनार। ऑफिशियल प्राइस है 5 दिनार जो लोकल्स के लिए है, लेकिन टूरिस्ट के लिए हमेशा लोग 1 या 2 दिनार ज़्यादा ही लेते हैं, मेरे से 7 दिनार लिया है। आसपास में कुछ टूरिस्ट और बैठे हुए अदर कंट्रीज़ के, सबसे 7 दिनार से लिया है, बस चल दी मेरे बैठते ही तुरंत। जनाब आपका स्वागत है वादी मूसा में, पेट्रा को लोकली वादी मूसा भी बोलते हैं। बस जर्नी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, ठीक थी बस, बहुत अच्छी नहीं बोलूँगा। टोटल टाइम जो लगा अमान से पेट्रा आने में वो लगा 3.5 घंटे, लगभग 9 बजे निकला था बस स्टेशन से और टाइम हो रहा है अभी 12:30, तो 3.5 घंटे लगे हैं। अब मैं चल रहा हूँ अपने हॉस्टल के पास जो बहुत ही पास है यहाँ से, जस्ट मैप में दिखा रहा है 500 मीटर्स। मैं यहाँ पर 2 रात रुक रहा हूँ पेट्रा में, मैंने ऑलरेडी booking.com से हॉस्टल मैंने बुक किया हुआ पहले से। हॉस्टल मेरे को 2 रात के लिए पड़ा है 1200 रुपये, मीन 600 रुपये पर नाइट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। इससे भी सस्ते हॉस्टल यहाँ मिल रहे थे मेरे को, लेकिन मैंने बुक नहीं किया क्योंकि उनकी रेटिंग्स अच्छी नहीं थी। अब मैं जो हॉस्टल जा रहा हूँ, जहाँ मैंने रुका हुआ हूँ, उसका नाम है रफ़ीकी हॉस्टल, उसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी थी तो मैंने उसको बुक कर लिया है। पहुंच गया हूँ अपने हॉस्टल रफ़ीकी, ये आपको दिख रहा है बहुत बड़ी बिल्डिंग है ब्लैक कलर की और ऊपर बहुत बड़ा सा रफ़ीकी लिखा हुआ है। चेकिन मेरा हो चुका है, मैं अपने हॉस्टल के रूम में आ चुका हूँ। भाई साहब बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही गॉर्जियस हॉस्टल है ये, 600 रुपये पर नाइट में। अब आप और क्या लोगे इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। 6 बेड का ये डॉर्म है और क्योंकि अभी लो सीजन चल रहा है तो बहुत लोग हैं नहीं मेरे ख्याल से, मेरे अलावा 1 या 2 लोग और हैं बस, जो कि अभी नहीं है, शायद शाम तक आएँ। अब हॉस्टल में आपको दिखाता हूँ, मैं आपको पूरा हॉस्टल का टूर देता हूँ। ये मेरा बेड बंक है जो मेरे को मिला, ये मेरा लगेज, ये वॉशरूम है, लाइट कहाँ से जलेगी देखता हूँ, ये लाइट जल गई। ये वॉशरूम है एकदम नीट एंड क्लीन। हॉस्टल में दूसरी मेंबर आ चुकी है, इनका नाम है चाचा, शी इज फ्रॉम साउथ कोरिया। हेलो, हाय, अन्योंग। अब मैं निकल रहा हूँ बाहर, देखता हूँ बाहर क्या करने लायक है। Sorry, please tomorrow again. Now my face is... वो ये वातीराम से आ रही जहाँ मैं परसों जाऊँगा। शाम के 5 बज रहे हैं, जा रहा हूँ मैं हॉस्टल के रूफ पे, देखता हूँ वहाँ से व्यू कैसा है। ये मेरे होटल का रूफ टॉप रेस्टोरेंट है, यहाँ से व्यू बहुत ही अमेजिंग है, पूरा वादी मूसा जो टाउन है, पेट्रा टाउन है, पूरा दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है तो फिर समझ जाओ कितना अच्छा लग रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। यार सच में बहुत ही खूबसूरत टाउन है ये वादी मूसा, प्यार हो गया इस टाउन से मेरे को। मैंने सिर्फ ये व्यू देख के इस होटल में अपना रूम बुक किया था, अब पूरा पैसा लग रहा है मेरा वसूल हो गया व्यू देखकर ही। जॉर्डन में सब कुछ बहुत महंगा है, एक तरफ इजिप्ट जहाँ सब कुछ बहुत सस्ता, एक तरफ जॉर्डन जस्ट नेबर कंट्री है लेकिन सब कुछ बहुत ही महंगा। फ्लाइट सिर्फ 1 घंटे की थी लेकिन डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। मैं फिलहाल अभी आया हुआ हूँ एक सुपर मार्केट में, छोटी सुपर मार्केट है, देखता हूँ क्या रेट है सब कुछ का, आपको बताता हूँ, कुछ लेता भी हूँ। ये चीज़ स्लाइस है, दिस इज़ फॉर 1.5 दिनार, 150 रुपये का, ठीक है बहुत महंगा नहीं है। 1.5 लीटर वाटर रही है। हाउ मच फॉर दिस वाटर? 1/2 दिनार। ये लेस चिप्स है चीज़ फ्लेवर, इसका पूछता हूँ क्या रेट है। 1/2 दिनार, तो भाई 1/2 दिनार का, 50 रुपये का। ये बटर है, बटर यहाँ इस तरह क्यूब में आता है, 8 क्यूब्स हैं इसमें, तो ये 75 पियास्टर्स का है, मतलब क्यों गए 75 रुपीज़।
ये है मेयोनीज, इसका भी रेट सेम है 75 पियास्तर्स। हाउ मच फॉर वन एग? 25। तो 25 पियास्तर का एक एग है 25 रुपए का। मतलब ये दही है योगर्ट 150 ग्राम्स 25 पियास्तर्स का 25 रुपए। और ये चीज़ स्प्रेड है 1.5 दिनार का 150 रुपए का। तो भाई जो डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स हैं उसका रेट आप लोगों को पता चल चुका है कि अगर आप जॉर्डन के सुपर मार्केट से परचेस करेंगे तो आपको लगभग किस रेट का पड़ेगा वो सब। तो मैंने फिलहाल ये ब्राउन ब्रेड और ये चीज़ स्लाइस ले लिया है, टोटल मेरे पड़े हैं 2.5 दिनार के 250 रुपए के। शुक्रान। रात हो गई है और पूरे पेट्रा में सुपरमार्केट और जनरल स्टोर बहुत सारे हैं, मतलब कि आपको हर 10 कदम पे कोई ना कोई सुपरमार्केट मिल जाएगा, कोई छोटा या बड़ा, हर जगह सुपरमार्केट भरे हुए हैं यहाँ पे, तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सिम कार्ड मैंने फाइनली ले लिया है। जॉर्डन में टोटल 3 सिम कार्ड कंपनीज हैं, ऑरेंज, ओमनिया एंड मुझे थर्ड वन जैन, ऑरेंज, जैन एंड ओमनिया। तीनों के रेट मैंने पता किए, ऑलमोस्ट सेम ही है, 1-2 दिनार आगे पीछे। एयरपोर्ट मुझे जो मिल रहा था 10 GB का डेटा मिल रहा था मेरे को अराउंड 15 दिनार में, यहाँ पे सेम मेरे को मिल गया है 12 दिनार में, 12 दिनार मतलब 1200 रुपये में मेरे को मिले हैं 10 GB डेटा मिले हैं पूरे 1 मंथ के लिए। ऑरेंज का सिम कार्ड है, यहाँ मैं देख रहा हूँ इजिप्ट से सब कुछ कंपेयर करने में ऑलमोस्ट जस्ट डबल रेट है। सेम 10 GB मेरे को इजिप्ट में मिला था 600 रुपये में, वही यहाँ मिल रहा है जॉर्डन में 1200 रुपये में। खाने पीने का भी रेट ऑलमोस्ट डबल ही है यहाँ पे जॉर्डन में। तो सिम कार्ड ले लिया हूँ, रात के 8 बज चुके हैं, वापस मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल। आपको अपने हॉस्टल के रूफ टॉप से व्यू दिखाता हूँ जो कि रात में बहुत ही अलग खतरनाक टाइप का दिखेगा।